आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ते से आया हूँ किरणजी। आपको कैसा लग रहा है ये सौंदर्य के आके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो लिस्ट है उसमें मतलब 70% जो प्रिजनर है बंगाली है, बंगाल से है, और करीब 20% पंजाब से है, बाकी 10% अदर प्रोविंस से आते हैं। तो मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि देश की आजादी के लिए अमर तो मने होच्छे देशेर स्वाधीनता पावार जन्ने, जेमन आमी एखाने देखाच्छी नम्बर टू ते बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त होच्छे भगत सिंह एर परम बंधु, माने उनी होच्छेन भगत सिंह एर फास्ट फ्रेंड, बाड़ीर लोक, घर का दोस्त था। और बटुकेश्वर दत्त का नाम भी एक पंजाब में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के नाम से जाना जाता था, ये भी एक भगत सिंह है। सबसे बड़ी बात यह है अमर सब थे के दुखेर विषय जे बेंगल थे के जारा स्वाधीनता संग्रामी देशेर जन्य प्राण हारिए छे, निजेर जे आत्म बलिदान दिए छे, एवं पंजाब थे के ओ शिख भाईरा निजेर आत्म बलिदान दिए छे, तादेर मूल्य এই সেলুলার জেলের লিস্ট যখন আমরা পড়ছি সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রিজনারদের দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এবং চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে যে এই মানুষদের মূল্য কি আজকে এদের কমিউনিটি বা এদেরকে দেওয়া হচ্ছে কোথাও? যে যে লোক পাঞ্জাব আর বঙ্গাল সে শহীদ হুয়ে হ্যাঁ, উন শহীদ কি যে কম হ্যাঁ, চাহে ও বেঙ্গল হো চাহে পাঞ্জাব, উনকা মূল্য কহীঁ পর দিয়া যা রা হ্যাঁ। इन दोनों कौमों के साथ जितना बड़ा एक तरह से डिवीजन वाला रोल हुआ उतना किसी के साथ नहीं हुआ। बंगाल को भी दो भागों में बांट दिया गया, बांग्लादेश अलग कर दिया गया, उधर जब देश की आजादी हुई वहां देखा जा रहा पंजाब को भी बांट दिया गया। और सिर्फ यही सीमित नहीं रहा, आजादी के बाद भी पंजाब के समय समय पर टुकड़े कर दिए गए और हालत यह है कि आज भी चंडीगढ़ पंजाब को नहीं मिला। ये सिखों ने जो देश के लिए बलिदान दिया, मैं यहाँ पर उन सभी बलिदानी जो है शहीद है हमारे लिए सम्मानजनक है, लेकिन जिन्होंने अपना सब घर बार त्याग कर इस देश के लिए इतना इतना बड़ा योगदान, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, सेलुलर जेल में अपनी जिंदगी बिताकर खत्म कर दी, उनकी कौम को, उनके परिवारों को, जो नस्ल यहाँ आ रही है वो कौन सा गर्व महसूस करिए कि किस देश के लिए हमने भारत के लिए बलिदान किया। आज भी सिख इस देश में अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, कानून से मांग करते हैं। अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने हमारी दस्तार के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, कितनी बड़ी पगड़ी बांधकर आपका क्या होगा, आप एक छोटा कपड़ा क्यों नहीं बांध देते। मैं पूछना चाहता हूँ ये सारे जो पंजाब के शहीद यहाँ पर जो बंदी हुए थे, कभी इनसे सवाल किया इन्होंने पगड़ी बांधी थी ना कपड़ा बांधा था? ये सारा दुख यहाँ पर हमें झेलना पड़ रहा है। मैं सारे देशवासियों को कैमरे के माध्यम से, यहाँ भी देखिए आप पूरी पंजाब की लिस्ट यहाँ पर शामिल है, नीचे वाले फ्लोर में भी शामिल है, करीब 30-35% जो है सिख प्रिजनर्स, उन सबके जो है नाम सारे यहाँ पर चल रहे हैं। हमें एक बात बहुत समझ आती है कि हमें हमारा इतिहास सेंसर्ड करके पढ़ाया जा रहा है। यहाँ जिन बातों को हम आंखों से देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि हमने कभी अपनी एडुकेशन के समय या प्रैक्टिस के समय ऐसी हिस्ट्री को स्टडी कभी नहीं किया। मैं सभी देशवासियों को निवेदन करता हूँ यहाँ आइए सेलुलर जेल में और आकर इतिहास पहचानिए और अपने भाइयों, बंगाली भाइयों, पंजाबी भाइयों, मद्रास से हो चाहे महाराष्ट्र से हो, उन सबका यशगान कीजिए। साथ ही साथ पंजाब के लोगों ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, बंगाल के लोगों के लिए जो बलिदान दिया है, आप उनका भी नमन कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।